गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। दिस इज योर सेकेंड पीरियड एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ रीजनिंग। दिस इज योर रिवीजन क्लास फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड यू ऑल नो वेरी वेल इन योर मिड टर्म एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम जुलाई अगस्त एंड अक्टूबर मंथ्स कोर्स। इन तीनों मंथ के कोर्सेज से आपकी क्वेश्चंस जो है वो मिड टर्म एग्जाम में पूछी जाएंगी एंड फॉर दैट एग्जाम, उसी एग्जाम के लिए आप लोगों का आज जो है रिवीजन क्लास है। सो चिल्ड्रेन कम लाइव फास्ट। Come live fast and open your reasoning book. In reasoning, chapter number 2, chapter number 3, and chapter number 4. These three chapters, यही तीन chapters हैं जिससे आपके questions जो हैं वो पूछी जाएंगे। Chapter 2 जुलाई मंथ की कोर्स थी, चैप्टर 3 अगस्त मंथ की कोर्स थी एंड चैप्टर 4 जो है वो अक्टूबर मंथ की कोर्स है। गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन कम लाइव फास्ट। गुड मॉर्निंग। And tell me, how are you? बताएं कि आप लोग कैसे हैं। Reply in your comment box. Comment box में जो है आप reply करिए ताकि मुझे ये पता चल सके कि कितने students जो हैं वो अभी live आ चुके हैं। Children, Chapter number 2 in reasoning, the name of the chapter is analogy and classification In this chapter we थॉट अबाउट, हमने पढ़ाया था इसके बारे में, या अदर टीचर्स जो आपके ये क्लास रीजनिंग के लिए थे वो पढ़ाए थे। आर्यन गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टेल मी, हाउ आर यू? देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर, हर एक पेयर में। कृति कुमारी गुड मॉर्निंग। टेल मी चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर, हर एक पेयर में, ठीक है, हर एक पेयर में जो है एक रिलेशनशिप है। द स्टूडेंट्स हैज़ टू आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड फाइंड द मिसिंग फिगर, और आप सभी को जो है वही रिलेशन मालूम करनी है, फाइंड करनी है, खोजनी है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है एक पेयर में, तो उसी के बेसिस पे जो मिसिंग फिगर होगी वो आप फाइंड करोगे। ये आपने पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर्स जो हैं ये सब आपके पढ़ा दी गई थी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू में हम आज पूछेंगे आपसे। क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना था? सो ऑब्जर्व द फिगर इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में जो भी फिगर दी हुई हैं उनको आप ऑब्जर्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप्स, साइज, शेडिंग, दियर पार्ट्स, दियर मिरर इमेजेस, नंबर ऑफ साइड्स, कर्व एंड स्ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को आप फोकस करेंगे। गॉट इट? टू फाइंड द ऑड फिगर। क्यों आप ऐसा फोकस करेंगे? ताकि आप ऑड फिगर को फाइंड कर सकते हो। गुड गुड कृति, गुड मॉर्निंग राजवीर, आई एम हैप्पी टू हियर दिस। यू आर फाइन एट योर होम, यू ऑल आर फाइन एट योर होम, होप सो। Different figure or similar figure amongst the given
फिगर, जो भी फिगर आपको डिफरेंट दी हुई हैं या मिली जुली पिक्चर्स हैं वो आप इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप इसको फाइंड करोगे. गॉट इट? सो कम इन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. लुक हियर, क्वेश्चन नंबर वन. लुक, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पेयर. इस पेयर में जो है एक रिलेशनशिप है जो कि आपको बतानी है कि वो कौन सी है. उसी बेसिस पे जो है आपको मिसिंग फिगर फाइंड करनी है. गॉट इट? अब ये आप देख रहे हो पिक्चर, ये क्वेश्चंस आप बोर्ड पे देख रहे हो. ऑप्शन ए इज गिवेन दिस. ऑप्शन ए जो है आपका ये दिया हुआ है. ऑप्शन बी जो है आपका ये शेप दिया हुआ है. एंड ऑप्शन सी जो है वो आपका ये दिया है. टेल मी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. रिमझिम गुड मॉर्निंग. टेल मी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको पढ़ाएंगे. ऑप्शन ए, हाउ, कैसे ऑप्शन ए करेक्ट? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का. लुक हियर चिल्ड्रेन, फर्स्ट यू फोकस, आपको शेप्स, साइजेस, सेट्स, मिरर इमेजेस, हर चीज़ को देखनी थी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसी के बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना था. दिस इज़ योर रीजनिंग बुक. दिस इज़ योर रीजनिंग बुक, रीजनिंग वर्क बुक. दिस बुक इज़ अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स. आर्यन सिन्हा ए, कृति ए. नो, ऑप्शन ए इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. लुक हियर चिल्ड्रेन, जो आपका लेफ्ट पेयर है, ये पेयर जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप अगर आपको फाइंड करनी है तो आप फाइंड करोगे लेफ्ट पेयर इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम कर्व्ड लाइंस. गॉट इट? ये जो आपका लेफ्ट फिगर जो भी दिया हुआ है आपका, वो कर्व लाइन से बना हुआ, ओ बी कर्व लाइन से बना हुआ आप देख सकते हो, एंड एस बी कर्व लाइन से बना हुआ. गॉट इट? एंड आप देखोगे बी इज नॉट द राइट आंसर. बी इज, बी भी नहीं है राइट आंसर. आप देखो टी, टी कौन से लाइन से बना हुआ है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है. गॉट इट? ओ और एस कर्व लाइन से बना हुआ है. ये पेयर जो थी, ये पूरी पेयर जो है, ये पेयर जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है? इस कर्व लाइन से बनी हुई है. बट द हमारा राइट साइड में जो दिया हुआ है टी, टी जो है वो किस, एल. रिमझिम, यस, योर आंसर इज करेक्ट. एंड राजबी, नाउ योर आंसर इज करेक्ट. गुड मॉर्निंग मानस, यस. तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ. तो हमारा नेक्स्ट पे इसी का जो लेफ्ट पेयर जो हो गया, इसका जो बचा हुआ ये हो गया पेयर, जो पेयर कंप्लीट करेगा वो कौन सा होगा? तो वो भी आपको स्ट्रेट से बना होगा, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ. तो आर स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है? नो. यू भी नहीं बनी हुई है बिकॉज ये कर्व लाइन से बनी हुई है. और सी जो है वो एल, एल किस से बना हुआ है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है. सो केयरफुली वॉच कीजिए, उसके बाद आप आंसर करेंगे. ज़्यादा फास्ट भी आंसर नहीं करो जिससे आपकी गलत हो जाए. गॉट इट? मे आई रब द बोर्ड? यस. नाउ इन कम इन क्वेश्चन नंबर टू. टू में आप देख रहे हो पेन की फिगर बनी हुई है, ठीक है. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पेन. गॉट इट? बट द बुक में जो है आपको पेन की फिगर दी हुई है. यहाँ पे आपका इस पेयर को कंप्लीट कर रहा पेन स्टैंड, पेन स्टैंड. यहाँ पे भी देख सकते हो आप पेन स्टैंड की पिक्चर्स दी हुई हैं, बट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लावर. हमारा क्या है नेक्स्ट? फ्लावर. फ्लावर को कौन सा कंप्लीट करेगा? ये मिसिंग पेयर जो है इसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? गॉट इट? ऑप्शन ए,
वेज, ऑप्शन बी प्लेट, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, टेल मी। वेज, रिमझिम, यस योर आंसर इज करेक्ट। पॉट, हाँ इसको अदर नेम फ्लावर पॉट भी बोलते हैं, नॉर्मल घर में हम इसको फ्लावर पॉट भी बोलते हैं, वेज भी बोलते हैं। वेज इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज पेन हम कहाँ पे रखते हैं, पेन स्टैंड में रखते हैं, तो ये पेयर जो है कंप्लीट इस बेसिस पे है। तो फ्लावर कहाँ लगाते हैं, तो वेज में डालते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुड नेट, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेल डन एवरीवन। इसी बेसिस पे, इसी तरीके के सेम वेज इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है पिक्चर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पिक्चर दी हुई है, उसके बाद आपको क्यूब की पिक्चर दी हुई है, गॉट इट, क्यूब की पिक्चर दी हुई है। क्यूब की पिक्चर दी हुई है और स्क्वायर जो है उसका एक पार्ट शेडेड है, गॉट इट। अब अदर पेयर में बतानी है कि आपको कौन सा पिक्चर होगा और आपका पेयर लेफ्ट राइट पेयर में आपको दिया हुआ है सिलेंडर का पिक्चर, गॉट इट। द फिगर ऑफ शेप्स, किसका शेप्स दिया हुआ, सिलेंडर का शेप्स दिया हुआ, जिसमें आपका नीचे का सरफेस ऊपर का सरफेस जो है वो क्या किया गया है, शेडेड है। तो आपकी आपको बतानी है कि कौन सा मिसिंग जो है शेप्स है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए इज दिस शेप, ऑप्शन बी शेप ऑफ अ ट्रायंगल, ऑप्शन सी शेप ऑफ अ सर्कल। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेक्ट, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सर्कल। गुड, वेल डन रिमझिम नेताजी, योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा जो लेफ्ट पेयर में जो सेकेंड फिगर है, वो फिगर आप देख रहे हो एक पार्ट उसका जो है वो शेडेड है ना, वो कौन सा पार्ट बनता है, स्क्वायर है, स्क्वायर। और ये पूरी मिलके ये पिक्चर किस चीज़ की है, शेप्स किस किस चीज़ की है, क्यूब की है। तो स्क्वायर शेडेड है, तो हमने स्क्वायर फर्स्ट फिगर के साथ, फर्स्ट पेयर में जो फर्स्ट फिगर है वो स्क्वायर लिया, क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा सेकेंड फिगर में आप देखोगे, सॉरी हाँ सेकेंड फिगर में आप देख रहे हो कि राइट साइड में आपको सिलिंड्रिकल शेप दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल शेप का ऊपर और नीचे का सरफेस क्या है, शेडेड है। तो शेप्स इसकी कौन सी आएगी, सर्कल शेप्स आएगी, गॉट इट। आप कार्डबोर्ड से भी बहुत टाइम जो है प्रोजेक्ट में बनाया हो इसको, तो द शेप्स ऑफ अ सर्कल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, गॉट इट, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आते हैं, आप देखो फाइंड दी ऑड वन आउट। अब देखो आपको बताना है, खोजना है कि कौन सा ऑड है, ए इज ए बी, B is X Y, C is F H and D is O P. Tell me which is the odd? Yes, C. Option C is correct. Good, well done. ये चार options दिए हुए हैं, बतानी थी कौन सा odd one है, F H. Good, well done. Your answer is correct. ए के बाद बी आता है सेकेंड लेटर, उसी तरीके से एक्स के बाद जस्ट वाई आता है सेकेंड लेटर, उसके बाद एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद टेल मी जी आता है। तो ये एच दिया हुआ है,
जी गायब है, सो ये ऑड हो गया। और आप यहाँ डी में भी देख लो, ओ के बाद पी आता है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो ऑड वन आउट है, सो यू टिक द ऑप्शन सी। गॉट इट? गुड, योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर आप दिया हुआ है, इफ कैरोट इज रिलेटेड टू चिली, ग्रीन चिली इन सम वे, किसी तरीके से ये दोनों रिलेटेड हैं, और आप सभी जानते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे ये जो है रिलेटेड है, तो पैरोट इट्स ग्रीन चिली, पैरोट खाती है ग्रीन चिली। देन इन द सेम वे, उसी तरीके से रैबिट जो है इज रिलेटेड, पेज नंबर 17, जयान पेज नंबर 17। देन इन द सेम वे रैबिट इज रिलेटेड टू डैश, टेल मी रैबिट किस चीज से रिलेटेड है, क्या खाता? ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी कैरट, ऑप्शन सी एग। कैरट इज द करेक्ट आंसर। गुड रिमझिम, वेल डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेल डन। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाएंगे और रहेंगे। नेक्स्ट वन इज, एक और है फिगर आपको दी हुई है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बतानी है आपको कि हर एक पेयर में क्या है, उसके बेसिस पे आपको मिसिंग फिगर फाइंड करनी है। गॉट इट? मिसिंग फिगर फाइंड करनी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम वो फिगर जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं। आई ड्रॉ दैट फिगर, टेल मी विच इज द मिसिंग फिगर, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज 9, ऑप्शन बी इज 8। टेल मी विच इज द करेक्ट फिगर, ऑप्शन यस 9। गुड रिमझिम, यू वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट। अमन सोनी 8, नो 8 इज नॉट द राइट आंसर। आप देख सकते हो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, काउंट करो 1, 2, 3, 3 लाइन्स है इंटीरियर फिगर में, शेप्स में, और 4 लाइन जो है 4 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, तो हमारा पेयर कंप्लीट कर दिया 7 लिख के। उसी तरीके से आप इसके भी साइड्स को काउंट करोगे, काउंट करो, देयर इज 4 साइड गिवन इन योर इंटीरियर फिगर, इंटीरियर फिगर जो शेप्स दी हुई हैं उसमें 4 साइड्स हैं, और आउटर फिगर में कितने साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आउटर में 5 है, इनर में 4 है, 5 प्लस 4, 9, तो इनको कंप्लीट कौन करेगा, 9। गॉट इट? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। गुड रिमझिम, जयान, नेताजी, गुड राजवी, बोथ योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन, नाइस परफॉर्मेंस। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस जो होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। कम इन द नेक्स्ट चैप्टर, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट इज योर थर्ड चैप्टर, सो ओपन योर पेज नंबर, पेज नंबर 21, चैप्टर 3, अल्फाबेट टेस्ट। Got it? This is your chapter 3. Children, in this chapter, arrange the letter in the different combinations given in the options to find a meaningful word. हर एक letter को है in the different combination, हर एक अलग-अलग combination में arrange करना है, जो भी options दी हुई हैं उसके basis पे, और एक meaningful word जो है आपको find करनी है। Students have to observe carefully, आप लोगों को ज़रूरत है ध्यान से ऑब्जर्व करने की, एट द लेटर गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी लेटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस में उसको, एंड फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कंटेन्स और डज नॉट कंटेन्स द लेटर। आपको ये करना है कि कौन सा लेटर उसमें
है, कौन सा लेटर नहीं है, उन सभी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसी बेसिस पे अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवेन, लुक हियर, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। गॉट इट? आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आपको उसके हर एक लेटर को जो है वो केयरफुल्ली देखना है। इंटेलिजेंस, दिस वर्ड इज गिवन इन क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपको बतानी है कि कौन सा वर्ड इस वर्ड के लेटर से बना हुआ है। ओके, इन्हीं वर्ड के लेटर्स को यूज करके बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज neglect, ऑप्शन बी इज tunnel, एंड ऑप्शन सी इज नोटिस। टेल मी विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यस जयान, योर आंसर इज करेक्ट। रिमझिम, योर आंसर इज करेक्ट, नेग्लेक्ट। अब देखोगे एन भी यूज किया गया है इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंस से ई भी यूज किया गया है, जी का भी यूज है, गॉट इट, एल का भी यूज है, ई का भी यूज है सेकेंड ई का, एंड सी ये रहा और टी यहाँ से लिया गया। तो ये पूरी कॉम्बिनेशन जो है लेटर्स की वो किससे बनी हुई है? इंटेलिजेंस के ही लेटर। यस, ये जो आपकी क्वेश्चन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका, फाइंड द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स आर अरेंज। देखना है नंबर और लेटर्स का जो भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। मैम वीडियो इज पॉज्ड। ओके सूर्यांश, अगेन आई रीड द क्वेश्चन। मैम वीडियो इज पॉज्ड राइट नाउ। चल रही है आपकी वीडियो, दिखाई दे रही है मेरी एंड साउंड जा रही है? टेल मी इन योर कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज, तो मैं कंटिन्यू करूंगी अपना चैप्टर्स, अपने क्वेश्चंस। यस, गुड। सो कम इन क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स। जितनी भी नंबर्स और वर्ड लेटर्स दी हुई हैं उसके एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। सो दैट लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब सारे हर एक ऑप्शंस को देखना है और इसी कॉम्बिनेशन के तहत आपको अरेंज्ड करना है और बताना है कि किसके जो है एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आते हैं। गॉट इट? तो आप देखोगे थ्री का कोड दिया हुआ है बी, यू राइट बी। टू का कोड आई, यू राइट आई। और फोर का कोड क्या दिया हुआ? आर, यू राइट आर। एंड वन का कोड डी। तो द स्पेलिंग ऑफ हेयर मेड बी आई आर डी, बर्ड बनता है, ये मीनिंगफुल वर्ड है। गॉट इट? हम जानते हैं कि एक मीनिंगफुल वर्ड हमने फाइंड कर लिया तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बट हम चेक कर लें कि ऑप्शन बी का क्या निकल के आ रहा है। तो थ्री में आप देखोगे थ्री का कोड दिया हुआ है बी, राइट। फोर का कोड दिया हुआ है आर, एंड टू का कोड दिया हुआ है आई, एंड वन का डी। दिस इज नॉट द मीनिंगफुल वर्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो मे आई रब द बोर्ड? इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, लुक हियर, वी राइट कारपेंटर। गॉट इट? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी मेड। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? कैन बी मेड, मतलब जो बना हुआ था वर्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमको वैसे वर्ड को टिक लगाना है, वैसे ऑप्शंस को टिक लगाना है जो कि नहीं बना हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है उसके लेटर्स से।
ठीक है, वन लेटर किसी ना किसी का डिफरेंट होगा. तो वर्ड जो क्वेश्चन में दी हुई हैं वो कारपेंटर दिया हुआ है और ऑप्शंस में दिए हुए हैं नेक्टो, नेक्टो. ऑप्शन बी इज कारपेट, कारपेट. एंड ऑप्शन सी इज पेंटर, पेंटर, पेंटर. टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट. रिमझिम जयान, योर आंसर इज करेक्ट. वेल डन, वेल डन जयान. ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेंटर. बिकॉज नेक्टर जो है वो जितनी भी लेटर्स यूज की गई हैं वो इसी के लेटर्स हैं, और कारपेट में भी इन्हीं की लेटर्स हैं, आप चेक कर लोगे. बट पेंटर में आप देखो पी तो है, ए भी है, आई जो है वो नहीं है कारपेंटर में कहीं. तो और पेंटर में आई का यूज है, सो ये डिफरेंट हो गया, तो कैन नॉट बी मेड में ये आ जाता है. गॉट इट? कोई भी एक लेटर जो है वो डिफरेंट हो जाए तो वो ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. इस टाइप के क्वेश्चन से जो कि कैन नॉट बी मेड से रिलेटेड होंगे. कैन बी मेड से आप जान गए हो, कैन नॉट बी मेड से जान गए हो, सेप्स वाले भी जान गए हो, उसी के बेसिस पे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछी जाएंगी. ठीक है, अब कम इन चैप्टर नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आएंगे. चैप्टर 4 इज कोडिंग एंड डीकोडिंग, कोडिंग एंड डीकोडिंग. यहाँ पे सबका कोड किया गया है. जैसे हम एक दिस इज अ चॉक, हम इस चॉक को कोड करके पेन लिखते हैं. तो हमने चॉक को क्या लिखा, पेन कोड कर दिया है. तो हम अगर क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हाउ कैन वी राइट ऑन द ग्रीन बोर्ड, कैसे हम ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं, बाय यूजिंग पेन, बाय यूजिंग चॉक, टेल मी और नन ऑफ दिस. तो आपको बताना है कि चॉक का यूज करके हम बोर्ड पे लिखते हैं ग्रीन बोर्ड पे, और पेन का यूज करके ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी का यूज नहीं करते हैं. तो हमने चॉक का, नो जयान, हमने चॉक को एक कोड दिया था, चॉक को कोड कर दिया क्या, पेन. चॉक इज अ पेन, गॉट इट? चॉक इज अ पेन. चॉक क्या है, पेन है. तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट चॉक, पेन इज द राइट आंसर. हमारा पेन आंसर होगा. अब आप देखो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. इफ ब्लू मींस ग्रीन, ब्लू मींस ग्रीन, ग्रीन मींस, ग्रीन means yellow, yellow, and yellow means white, white, then what is the color of, what is the color of broccoli? Tell me. हम सभी जानते हैं, we all know about the color of broccoli is green, green color का होता है. But यहाँ पे change हो जाएगा. Options हैं blue, B green, and option C जो हैं वो white हो जाएंगे. ठीक है, आपको बताना which option is correct for this question. We all know जयान कि the color of broccoli is green. बट ग्रीन को कोड कर दिया गया है, तो ग्रीन का कोड क्या किया गया, सो यहाँ देखो ब्लू मींस ग्रीन, ब्लू का मतलब क्या होगा, ग्रीन. गॉट इट? नॉट येलो इज द राइट आंसर. लुक हियर एंड लिसन टू मी, ब्लू मींस ग्रीन, ब्लू का मतलब क्या हो गया, ग्रीन हो गया. ग्रीन का मतलब येलो, ग्रीन का मतलब येलो, एंड येलो मींस वाइट, और येलो का मतलब क्या हो गया, व्हाइट हो गया. तो हमें पूछा गया कि ब्रोकोली, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोकोली,
ब्रोकोली का कलर क्या होता है? तो वी ऑल नो द कलर ऑफ ब्रोकोली इज ग्रीन. तो ग्रीन किसका मीनिंग है? तो ब्लू मीन्स ग्रीन. ब्लू मीन्स ग्रीन. क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लू का मतलब क्या है? ग्रीन. गॉट इट? तो ब्लू इज द राइट आंसर. ब्लू जो है, ब्लू का मतलब हो जाएगा आपका ग्रीन. गॉट इट? तो हमारा ब्लू इज द राइट आंसर. जयान अथर, ग्रीन. नो, द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ब्लू. क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोड किया गया है क्वेश्चन को, इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, यदि ब्लू का मतलब ग्रीन है, ग्रीन मीन्स येलो, ग्रीन का मतलब क्या है? येलो है. येलो मीन्स व्हाइट, येलो का मतलब व्हाइट हो जाएगा. तो हमको तो ग्रीन चाहिए ना, तो ग्रीन किसका मीनिंग आ रहा है? ब्लू का मतलब ग्रीन हो रहा है. तो आंसर इज ब्लू. गॉट इट? रिमझिम, योर आंसर इज करेक्ट. गॉट इट? डू यू अंडरस्टैंड जयान? राइट इन योर कमेंट बॉक्स. यस नेताजी, ब्लू इज द राइट आंसर. बिकॉज ब्लू का मीन्स, ब्लू मीन्स ग्रीन, ब्लू का मतलब ग्रीन है. तो ब्रोकोली का कलर तो हमको ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन किसके मीनिंग में आ रहा है? तो ब्लू का मीन्स ग्रीन, ब्लू मीन्स ग्रीन. सो द ऑप्शन ए, ब्लू इज द करेक्ट ऑप्शन. गुड, वेल डन जयान, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ आई रब द बोर्ड. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपको एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चंस रहेंगे. सो रीड इट केयरफुली एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस. सेकेंड क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है. इफ मून इज कॉल्ड स्टार, मून इज कॉल्ड स्टार, मून का क्या मतलब हो गया? स्टार. स्टार इज कॉल्ड अर्थ. स्टार को हम क्या कहेंगे? अर्थ कहेंगे. And earth is called sun. और earth को हम क्या समझेंगे? Sun है. Then man leaves on death. Option A, moon. Option B, star. एंड ऑप्शन सी, सन. अब यहाँ आप देखो, इफ मून इज कॉल्ड स्टार, मून का मतलब क्या होता है? स्टार. मून को हम स्टार समझेंगे. एंड स्टार इज कॉल्ड अर्थ, और स्टार को हम अर्थ समझेंगे. एंड अर्थ इज कॉल्ड सन, अर्थ को हम क्या समझेंगे? सन समझेंगे. देन मैन लिव्स ऑन. मैन कहाँ रहता है? कहाँ रहते हैं? टेल मी. मैन लिव्स ऑन अर्थ, वी ऑल नो मैन अर्थ पे रहता है. बट हम अर्थ किसको समझेंगे? स्टार इज कॉल्ड अर्थ. तो स्टार को हम क्या समझेंगे? अर्थ. क्योंकि अर्थ जो है वो सन हो जाता है. गॉट इट? हम अर्थ को सन समझेंगे, तो हम अर्थ तो आंसर होगा नहीं. तो स्टार को हम अर्थ समझेंगे. जैसे मेरा नाम, माई नेम इज रिचा, यू ऑल नो, सभी जानते हैं. और अगर मेरा नाम रागनी मैम अगर होता है, तो अगर रागनी मैम को आपको बुलाने कहा जाए और ये बताया जाए कि आप, मेरा नाम रागनी कर दिया गया और रागनी मैम का नाम रीचा कर दिया, तो आपको रागनी मैम को कॉल करना है, तो आप मुझे कॉल करेंगे. गॉट इट? क्योंकि हर एक का एक कोड कर दिया गया, हर एक के नेम को एक कोड कर दिया गया, और हम उस कोड के बेसिस पे आंसर करेंगे. इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग. गॉट इट? जयान, सन? नो, सन इज नॉट द राइट आंसर. सन इज नॉट द राइट आंसर. मैन जो है वो कहाँ रहता है? अर्थ पे रहता है. हम सभी जानते हैं मैन कहाँ रहता है. मैन जो है वो अर्थ पे रहता है. तो अर्थ किसके मीनिंग में आता है? तो स्टार का, स्टार इज कॉल्ड अर्थ. स्टार को ही हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं.
तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो स्टार हो जाएगा, क्योंकि स्टार को हम अर्थ कहते हैं। और अर्थ का मीनिंग अर्थ ना समझ के आप सन समझो, अर्थ का मीनिंग अर्थ ना समझ के आप सन समझो, और स्टार के मीनिंग को स्टार मत समझिए, उसको अर्थ समझिए, क्योंकि अर्थ की ही मीनिंग जो है वो स्टार दी हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, स्टार की मीनिंग जो है वो अर्थ दी हुई है, और यहाँ पे अर्थ की मीनिंग हो जाएगी सन। तो हमको तो अर्थ चाहिए, तो अर्थ किससे मिलेगा? सन से मिलेगा, सॉरी स्टार से मिलेगा, क्योंकि स्टार इज कॉल्ड अर्थ। तो स्टार इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है। स्टार इज कॉल्ड अर्थ, स्टार को हम अर्थ समझते हैं, अर्थ इज कॉल्ड सन। यू आर राइट, यू आर राइट। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, यस सन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बिकॉज इफ मून इज कॉल्ड स्टार, मून का मतलब क्या हो गया? स्टार हो गया। स्टार इज कॉल्ड अर्थ, स्टार को हम अर्थ कहेंगे, और अर्थ इज कॉल्ड सन। अर्थ पे हम लोग रहते हैं, लेकिन अर्थ किसको कहेंगे? सन को कहेंगे। तो सन जो है हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यू आर आर राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? नॉट द स्टार, यहाँ पे स्टार नहीं होगा। योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन रिमझिम। नो, सन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? इसी बेसिस पे क्वेश्चंस है एक और। मे आई रब दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ इफ रैबिट रैबिट इज कॉल्ड रैबिट इज कॉल्ड पीकॉक रैबिट इज कॉल्ड पीकॉक रैबिट इज कॉल्ड पीकॉक पीकॉक इज कॉल्ड लायन पीकॉक इज कॉल्ड लायन और एंड लायन इज कॉल्ड टाइगर इज कॉल्ड टाइगर देन हु इज द किंग ऑफ जंगल जंगल का राजा कौन है? इस कोड के बेसिस पे आपको बताना है कि हु इज द किंग ऑफ जंगल। ऑप्शन से ए रैबिट, ऑप्शन बी पीकॉक पीकॉक एंड ऑप्शन सी इज टाइगर। टेल मी विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। टाइगर, यस यू आर राइट, योर आंसर इज करेक्ट। इफ रैबिट, यस जयान योर आंसर इज करेक्ट। इफ रैबिट इज कॉल्ड पीकॉक पीकॉक इज कॉल्ड लायन एंड लायन इज कॉल्ड टाइगर देन हु इज द किंग ऑफ जंगल? तो जंगल का राजा कौन होता है? टेल मी, शेर होता है। तो किसके आंसर में जो है वो शेर आता है? टेल मी, टाइगर इज द राइट आंसर। इफ रैबिट इज कॉल्ड पीकॉक, गुड, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट, टाइगर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, रैबिट इज कॉल्ड पीकॉक। रैबिट क्या है? पीकॉक है। पीकॉक इज कॉल्ड लायन, पीकॉक जो है वो लायन है। लायन इज कॉल्ड टाइगर, लायन इज कॉल्ड टाइगर देन हु इज द किंग ऑफ जंगल? लायन, लायन इज द किंग ऑफ जंगल, सो टाइगर इज द राइट आंसर। इसीलिए टाइगर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। गुड, वेल डन। इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने। एक और क्वेश्चन जो है वो हम ऑरली आपसे पूछना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इफ पैरोट मींस ईगल,
इफ पैरोट मीन्स ईगल। अब यहाँ पे देखिए इज कॉल्ड में आपका सेकंड जो दिया हुआ है उस पर फोकस करना है, ठीक है, और मीन्स में जो है वो फर्स्ट को फिगर फोकस करना है। पैरोट का मतलब, पैरोट मीन्स ईगल, ठीक है, मीन्स और इज कॉल्ड वाले में ये अंतर है, डिफरेंस है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ईगल मीन्स पीकॉक, एंड ईगल का क्या मतलब है, पीकॉक, एंड पीकॉक मीन्स स्पैरो, देन विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन है, पीकॉक है, गॉट इट। और ईगल का मतलब क्या होता है, पीकॉक होता है, ईगल मीन्स पीकॉक दिया हुआ है। फिर फर्स्ट में आपको दिया हुआ पैरोट मीन्स ईगल, पैरोट मीन्स ईगल, यानी कि आप पैरोट का, ईगल का मीन्स, सॉरी, पैरोट का मतलब समझोगे ईगल है, और ईगल का मतलब समझोगे पीकॉक है, और पीकॉक का मतलब समझोगे स्पैरो है। सो द राइट ऑप्शन इज ईगल। गुड, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट, ईगल इज द राइट ऑप्शन, गुड। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। बाय।